तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। सो गाइस, फाइनली मेरे और आपके हम सभी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और इस टाइम पर तुम्हारे पास में काफी सारा फ्री टाइम है दोस्तों के साथ में एंजॉय करने के लिए। सो अभी रिसेंटली न्यू मंथ के स्टार्ट होते ही काफी सारे न्यू मल्टीप्लेयर गेम लॉन्च हो चुके हैं। आई थिंक मेरे पास में ऑलमोस्ट 23 गेम्स थे जिन्हें की मैंने एनालाइज किया एंड फाइनली ये 5 गेम आपके सामने निकल कर आ चुके हैं जो की मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सीरीज के अंदर मैंने डिफरेंट कैटेगरी वाले गेम्स को ऐड करा है जैसे कि फाइटिंग, रेसिंग, शूटिंग एंड सर्वाइवल। ये वाली सीरीज ना आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वाली वीडियो को पूरा जरूर से देखना। आप लोग अभी जाकर इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वाली वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बैटल रॉयल गेम्स का एक न्यू वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आप लोग ने उस वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो एक बार जरूर से जाकर वीडियो को देखना, एक ना एक गेम आप लोग को डेफिनेटली काफी पसंद आएगा। वीडियो का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 1 मल्टीप्लेयर गेम की। तो गाइस, हमारी सीरीज में आने वाला नंबर 1 गेम है ड्रॉप कल्ट। ये वाला गेम 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक फास्ट पेस्ड फाइटिंग गेम है जो कि आप लोग को इजीली प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। ये वाला गेम ज्यादा रियलिस्टिक तो नहीं है बट इस वाले गेम के विजुअल्स, फिजिक्स एंड फाइटिंग स्टाइल मुझे पर्सनली में काफी ज्यादा बढ़िया लगे। इस गेम के अंदर आप लोग फाइटिंग करने के अलावा भी काफी सारे काम कर सकते हो। अब देखो, ये एक मल्टीप्लेयर गेम है तो यहाँ पर आपके पास में डिफरेंट गेम प्ले मोड होंगे दोस्तों के साथ में खेलने के लिए। जैसे जैसे आप लोग गेम में आगे बढ़ोगे तो आपको न्यू कैरेक्टर्स एंड न्यू फाइटिंग एनवायरमेंट्स को अनलॉक करना होगा। यहाँ पर आप लोग अपने कैरेक्टर को ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा डिटेल में कस्टमाइज कर सकते हो। गेम के कंट्रोल्स इजी होंगे, ग्राफिक्स क्वालिटी आप लोग को डिसेंट लेवल की देखने को मिल जाएगी। रही बात इस वाले गेम के डाउनलोडिंग साइज की तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 593 MB एंड ये वाला गेम टोटली ऑनलाइन है। सो गाइस, अगर आप लोग एक ऐसे फाइटिंग गेम की तलाश में थे जिसे कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ में भी खेल सको तो आप लोग इस वाले गेम को अपना एक ट्राई दे सकते हो। यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 2 गेम की। तो गाइस, हमारी सीरीज में आने वाला सेकंड गेम है मैटर 1X फायर। ये वाला गेम भी 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक मोबाइल शूटिंग गेम है जो कि मेटावर्स के अंदर सेट है एंड ये वाला गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने इस वाले गेम को पहले भी खेल रखा है तो आप लोग टोटली रॉन्ग हो। मैटर 1X फायर एक अल्टीमेट शूटिंग गेम है जो कि वैलोरेंट गेम से काफी ज्यादा सिमिलर है। इस गेम के अंदर भी आप लोग को 5v5 का बैटल सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके पास में काफी सारे डिफरेंट मैप होंगे, काफी सारे कैरेक्टर, अबिलिटीज और वेपन होंगे जिन्हें कि आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। ये गेम आप लोग को इजीली प्ले स्टोर के ऊपर नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग को थर्ड पार्टी वेबसाइट की हेल्प लेनी पड़ेगी। रही बात इस वाले गेम के डाउनलोडिंग साइज की तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 1 GB एंड ये वाला गेम टोटली ऑनलाइन है। यहाँ पर आपको रियलिस्टिक ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिलेगी। गेम के अंदर रैंकिंग सिस्टम भी अवेलेबल है और पिछले वाले गेम की तरह ये भी एक मल्टीप्लेयर गेम है। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 3 गेम की। तो गाइस, हमारी सीरीज में आने वाला नंबर 3 गेम है लेगो हिल क्लाइंब एडवेंचर। ये वाला गेम 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक एक्शन एडवेंचर रेसिंग गेम है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी हिल क्लाइंब रेसिंग गेम को जरूर से खेला होगा एंड अगर हम लोग उस गेम के अंदर लेगो वर्ल्ड को एड कर दे तो कुछ इस टाइप का गेम आपके सामने निकल कर आएगा। इस गेम के अंदर आप लोग को डिफरेंट मिशंस को कम्प्लीट करना होगा। आपके पास में वैरायटी ऑफ व्हीकल्स होंगी जैसे कि क्लासिक कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। जैसे जैसे आप लोग गेम में आगे बढ़ोगे तो आपको डिफरेंट स्टेजेस को अनलॉक करना होगा। स्टेजेस एंड कैरेक्टर को अनलॉक करने के लिए आपको कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे जो कि आप लोग को मिशंस कंप्लीट करने के बाद में मिलेंगे। सॉरी एवरीवन, बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला गेम भी प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग को थर्ड पार्टी साइट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। रही बात इस वाले गेम के डाउनलोडिंग साइज की तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 800 MB एंड ये वाला गेम टोटली ऑनलाइन है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने इस वाली वीडियो को यहाँ तक देख लिया आपको ये वाली सीरीज पसंद आ रही है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ऐसी कमाल की अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 4 गेम की।
तो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला नंबर 4 गेम है AFK जर्नी। ये वाला गेम 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक रोल प्लेइंग एडवेंचर गेम है जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर इजीली मिल जाएगा। AFK जर्नी एक PC टाइटल है जिसे कि हाल ही में मोबाइल डिवाइस के ऊपर भी पोर्ट कर दिया गया है। इस गेम के अंदर आपको अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है तो आप लोग इस पूरे फैंटेसी वर्ल्ड को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर आपका मेन काम होगा स्टोरी को फॉलो करना, मिशंस कंप्लीट करना, नए नए कैरेक्टर्स को अनलॉक करना और साथ ही में टैक्टिकल बैटल्स करना। यहाँ पर आपके पास में 40 प्लस यूनिक कैरेक्टर होंगे विद स्पेशल एबिलिटीज। अब ये एक मल्टीप्लेयर गेम है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में स्टोरी लाइन को कंटिन्यू कर सकते हो। वही बात करें इस वाले गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की तो नो डाउट वो आप लोग को काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। रही बात इस वाले गेम के डाउनलोडिंग साइज की तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 930 MB एंड ये वाला गेम टोटली ऑनलाइन है। अगर आप एक रोल प्लेइंग मल्टीप्लेयर गेम की तलाश में थे तो इस वाले गेम को डेफिनेटली ट्राई करना, गेम आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 5 गेम की। तो गाइस हमारे सीरीज में आने वाला पांचवा और आखिरी गेम है डेड ब्लड सर्वाइवल FPS। ये वाला गेम 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है। सो गाइस ये एक बड़े ही कमाल का सर्वाइवल शूटिंग गेम है और ये गेम पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर सेट है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आपको खून के प्यासे ज़ॉम्बीज के अलावा इन्वायरमेंट से भी सर्वाइव करना होगा। यहाँ पर आपका मेन काम होगा सिटीज को एक्सप्लोर करना, गैदर रिसोर्सेज एंड वेपन्स को कलेक्ट करना। इस गेम के अंदर आपको स्टनिंग ग्राफिक्स, कैप्टिवेटिंग स्टोरी लाइन और तगड़े लेवल का इंटेंस गेम प्ले देखने को मिलेगा। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है तो आप लोग अपने आसपास की सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे जैसे आप लोग गेम में आगे बढ़ोगे तो ज़ॉम्बीज को मारना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप लोग को टाइम टू टाइम अपने वेपन को अपग्रेड करते रहना है। रही बात इस वाले गेम के डाउनलोडिंग साइज की तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 829 MB एंड ये वाला गेम टोटली ऑनलाइन है। सो गाइस ये गेम ना एक सर्वाइवल गेम से बहुत ही ज्यादा बढ़कर है, तो आप लोग इस वाले गेम को एक बार ट्राई करो। मेरी तरफ से ये गेम आप लोग को हाईली रिकमेंड होगा। सो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों को पांचों के पांच न्यू मल्टीप्लेयर गेम बता दिए हैं। टाइम आ चुका है इस वाली सीरीज को यहीं पर एंड करने का। तो अगर आप लोगों को इस वाली सीरीज में से एक भी गेम पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी जाकर लाइक कर दो। फ्यूचर में ऐसी कमाल की वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सीरीज में आने वाले सभी गेम्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर गेम को ट्राई कर सकते हो। आप लोग देखते रहो कैपिटल गेमर्स 7। मैं आपसे किसी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के अंदर दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।